इसके अंदर दो चॉइस आती हैं, इसमें आता है एक 550 रुपए का और ये जो मैंने लिया है भाई 690 रुपए का। तो इसके अंदर एक चीज और मैं बदला दूं, ये है BS4 अपनी जीतो S611 का, और इसके अंदर आता है जो BS6 का। भाई BS6 का वापस से कंपनी ने सामान महंगा कर दिया है। तो ये भाई इतना वेट, भाई मैजिक आपके पास भी अगर टाटा मैजिक आप भी लो तो भाई इतना वेट मत डालो, क्योंकि भाई गाड़ी को अपना लाइफ टाइम चलानी है और भी आगे इतना वजन डालोगे तो गाड़ी सही ज़्यादातर टाइम तक चलेगी नहीं, है ना। तो आप जो 20-22 क्विंटल डालने की आपकी एक क्षमता है मैजिक में। टाटा एज जो गाड़ी है अभी जो निकाला है, नया वेरिएंट निकाला है, यानी कि यूरिया में जो निकाला जो बता रहे हैं भैया के 30 क्विंटल, यानी कि रोड पर घाटी पे भी गाड़ी बिल्कुल दबती नहीं। और अच्छा तो घाटी में भी चल रही है आराम से 30 क्विंटल लेके। अरे सही बतलाना, नहीं तो वो आप लोगों को लगता नहीं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि टाटा मैजिक लो, डीजल गाड़ी लो, लो कोई सी भी गाड़ी लो, तो लेकिन टाटा मैजिक ले लो या फिर जीतो ले लो। भाई जीतो भी जो है ना भाई बड़ी जीतो, वो भी दमदार है, वो भी स्ट्रॉन्ग आई है, वो भी और दमदार गाड़ी है, इतनी बड़ी है वो भी जीतो स्ट्रॉन्ग भी, तो इतना लोड वो भी आराम से ले जाए। 30 क्विंटल वजन बाहर का हमारा भर रहा है और बता रहा है कि टस से मस नहीं हो रही गाड़ी, क्यों? वाह यार, मतलब दम है गाड़ी में। टच हो जाएगी, ऊपर टच हो जाएगी, बंद हो जाती, ये गया क्या? हाँ यही आवाज। कितने किलोमीटर चला दी तुम्हारा? नई ली थी तुमने? नहीं नहीं, अपन ने सेकंड ली। हाँ 20 को 11 महीने की उठी हुई है। 20 की 11 महीने की, 1 महीने कह रहे हो तो। अच्छा, ये जा रहा है भाई जी तो लेने अपनी, स्टार्ट करके ही लगा लेंगे भाई को। अरे नहीं यार, पायलटिंग महिंद्रा की ओरिजिनल की पहचान मैं आपको बतलाता हूँ कि क्या पहचान है, डब्बा बॉक्स के ऊपर मत जाना। और भाई ये 690 रुपए का आया है अपने को और लेवल लगेगी अपनी 50 रुपए, तो अपन ये डलवा लेंगे, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल पहचान मैं आपको बतला देता हूँ क्या। हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल रियल इन्फो ब्लॉग। भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने भाई जीतो का आपसे बोला था कि बीच में एक जो कंडीशन है, जो अलाइनमेंट होता है, वो जो बीच में कंडीशन होता है जिसमें इंजन लटका हुआ रहता है भाई, वो चेंज कराना है। तो भाई मैंने भोपाल से बुलवा लिया है उसे, ये देखो आप, महिंद्रा का ओरिजिनल बुलवाया भाई, ये महिंद्रा का ओरिजिनल है। और इस महिंद्रा के ओरिजिनल की पहचान मैं आपको बतलाता हूँ कि क्या पहचान है, डब्बा बॉक्स के ऊपर मत जाना। और भाई ये 690 रुपए का आया है अपने को और लेवल लगेगी अपनी 50 रुपए, तो अपन ये डलवा लेंगे, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल पहचान मैं आपको बदला देता हूँ क्या ओरिजिनल पहचान है, डब्बे के ऊपर कभी मत जाना, ओरिजिनल सील देखना है हमेशा हमेशा देखना। और ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बदला देता हूँ, देखो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये है भाई जीतो का अपना ओरिजिनल फाउंडेशन बॉक्स, और इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ आपको, मैं बदला देता हूँ, ये देखो। ये है ओरिजिनल जीतो का फाउंडेशन गुटका, जिसमें बीच में इंजन लटका रहता है, ये यूं लगा रहता है और इसमें इंजन लटका रहता है, एक चीज उसमें लगी रहती है चेचिस में और इसमें इंजन में। तो ये सब चीजें तो मैं आपको बदला दूंगा अभी लगवाते टाइम, और मैं इसकी ओरिजिनल पहचान बता देता हूँ आपको कि ओरिजिनल पहचान क्या है, ठीक है। ये देखो भाई, ये दिख रहा है आपको, ये कुछ दिख रहा है, इधर घुमा के बताता हूँ, ये चीज देखो ओरिजिनल महिंद्रा का, ये आपको नजर आ रहा हो तो ये ओरिजिनल महिंद्रा लिखा हुआ दिख गया आपको, ओरिजिनल महिंद्रा लिखा हुआ, ये है भाई ओरिजिनल महिंद्रा की पहचान। तो दोस्तों अभी से अपन इसके अंदर इंस्टॉल कराने चलते हैं महिंद्रा का ओरिजिनल ये भाई, और फिर बताता हूँ मैं आपको कैसे क्या फिट होता है, तो कहाँ लगता है, ठीक है। बना रहा वीडियो के अंदर लाइक करो अभी से। तो इसकी तो मैं एक बात आपको बतलाना भूल ही गया कि इसके अंदर दो चॉइस आती हैं, इसमें आता है एक 550 रुपए का और ये जो मैंने लिया है भाई 690 रुपए का। तो इसके अंदर एक चीज और मैं बतला दूं, ये है BS4 अपनी जीतो S611 का, और इसके अंदर आता है जो BS6 का। भाई BS6 का वापस से कंपनी ने सामान महंगा कर दिया है, तो ये भाई कम से कम अगर आपको BS6 का लेना है तो कम से कम 1400-1500 रुपए आपको पे करना पड़ेंगे मेरे भाई, बहुत महंगा हो चुका है ये, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और लेकिन इतनी आसानी से खराब होते नहीं है, 2-4 साल में एक बार जाते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, और BS4 गाड़ी का तो भाई काफी सस्ता सामान हो चुका है,
जीतों का जैसे मैं कहता हूँ कि गाड़ी लो तो सेकंड ले लो और कैश में ले लो, ओल्ड मॉडल ले लो देख दाख के। तो ये बात मेरी साबित हुई या नहीं हुई, सही हुई नहीं हुई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बने रहा बिलो के अंदर, अपन चलते हैं जीतों का ये लगवाने, ठीक है। चलो दोस्तों, अपन लोग आ चुके हैं अपन सर्विस सेंटर पर, जहाँ पर अपनों को ये लगवाना है लक्ष्मी ऑटो पार्ट्स पे। ये अपन फिट करवा लेते हैं फोल्डिशन। डली हुई है एक अल्टो और इधर ही खड़ी है, और गाड़ी सब खड़ी है सर्विस सेंटर पर, अपनी जीतो खड़ी है ये। हाउस क्या कर रहा है, हो गया ऐसे काम नहीं हुआ, हो रही है। चलो लगवा अपनी जीतो। तो कहीं ये उतर रही है क्या, मैं लगा दूंगा। वो हो रही अपने लिए जगह खाली, ऊपर वहां लगा लेते हैं अपनी जीतों को सामने। चलो अपन अपनी जीतों में तो उतर जाओ, ये भाई लगा लेंगे जो भी लगाना हो गाड़ी में, गाड़ी कहां पर लगानी है उनके हिसाब से। ये छोटू उस्ताद नया नया मैकेनिक बन रहे अभी हैं, जुबैर भाई। तो ये भाई कंप्लीट है, ये हमारा भाई अक्सर काम करते रहते हैं। ये जा रहा है भाई जी तो लेने अपनी, स्टार्ट करके ये लगा लेंगे भाई को। अरे नहीं यार, पायलटिंग लोग चल रहा भाई अपना। लग चुकी अपनी गाड़ी जीतो, अब इसको लिफ्ट पे से उठाएंगे ऊपर, फिर ही आपको मैं तरीके से बता पाऊंगा कि कहां पर ये लगता है, वो कहां पर ये फिट होता है और कैसा क्या हो गया। ये टाटा सफारी कितना टाइम होगा यार खड़े खड़े, 6 महीने से तो मैं देख रही हूं। हजार मिया इको लेने का है, 13 मॉडल तो मैंने बताई है उसे, अब देखते हैं। तवेरा कौन सी, कितने की, फर्स्ट ओनर है, कम करवा पैसा कम करवा। हाँ तो तुम डालो फोटो, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन हाँ बात कर लो। अरे ये इसमें कंडीशन आया है बीच में लगता गुटका, वो चेंज कराना है यार। बस बस टच हो जाएगी, ऊपर टच हो जाएगी,
बंद हो जाती। ये गया क्या? यही आवाज करता होगा बट 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 है। ये है भाई वो चीज जो अपन चेंज कराना है। कंडीशन गुटका कह लो इसको या माउंटिंग कह लो इसको या कुछ भी आपकी लैंग्वेज में कह सकते हो, बाकी है तो फाउंडेशन ही। वो इसमें तीन फाउंडेशन लगे रहते हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगे हुए हैं। एक तो अपन ये चेंज कराए थे, ठीक है, दो ही चेंज करवा लिए थे, ये बाकी था, तो ये भी अब चेंज करवाने की जरूरत आ गई है। वो तो सब सही है ना, ये तो सब सही है ना, यही चेंज होगा भैया। अरे वो अपन फाउंडेशन नहीं, उसमें तो निकालना तो भूलेगा। भाई ये जो सेंसर लगा हुआ है ये भी बहुत खराब चीज है, इसके अगर कोई छेड़छाड़ कर देना तो गाड़ी काम लग जाएगा, गाड़ियां बार बार बंद होने लगती। ठीक है, चीज है ना, तो ये कैसे चेंज होंगे पूरा कलर जो पीले तो है, ज्यादा तो आ जाएगी फिर बच्चा। ऐसा है इसका रेगुलेटर भी खुलवाना है यार अपनों किसी दिन, मतलब चोक हो तो नहीं रहा लेकिन अपन उसको पानी से चला रहा है अभी, लेकिन कूलेंट डाल के चलाएंगे उसे। काफी टाइम बाद खुल रहा वो, BS6 गाड़ी का सामान महंगा कर दिया वापस यार। अच्छा शुरू में तो कंपनी लूटती है पैसा है, फिर बाद में पुरानी होने के बाद पैसा कम कर देती है। ये देख लो भाई फाउंडेशन अपना जो है ये कट चुका है, किस तरह ये रबड़ पूरी लूज हो गई है, नया है ना, ऊपर से उतार लिया और ये नया डल रहा है। डाल दो इसे तो डाल दो, ये भी महिंद्रा का ही डला हुआ भैया ओरिजिनल। हल्का सा दिख रहा है, पूरा घिसा गया है लेकिन। ये आगे नहीं आने देगा, बस हाँ बस वाइब्रेशन नहीं करने देगा। गुटके कटे है ना इसको, ये आवाज कर रही है गाड़ी बड़ा 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 ऐसे कटे नहीं कटे। हाँ इसमें नेट में आयल ग्रीस लगा देते ना अंदर, तो फिर जाम हो जा वाला। हाँ अरे देख लो यार चलो तो भैया ये हो गया भाई। देखो आप लोग अपना ये फाउंडेशन बिल्कुल कंप्लीट, और पुराना जो है ये पड़ा हुआ है नीचे। भा उतार दो नीचे, अब क्या और कुछ चेक कर लो भाई, इसके पहिए वगैरह जाम तो नहीं हो रहा, ये थोड़ा देख लो यार।
कुछ तो गाड़ी में अपने लग गया है, ये वाला फाउंडेशन निकाल के वो दूसरा लगा दिया फाउंडेशन और गाड़ी हो रही है। अब नीचे अपनी हो गई कंप्लीट गाड़ी जी। तो अब शायद इसमें तो आवाज ना आए, अगर फिर भी आवाज आती है तो फिर अपन और चेक कराएंगे क्या वजह है। मेरे हिसाब से अब आनी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी रबड़ आप देख सकते हो किस कदर की कटी हुई, गेप भी आ गया बताओ इसमें, है ना, पूरी तरीके से। तो अब इतनी हैवी इंजन और इतना चल रहा है गियर में तो ये आवाज इसीलिए तो करता ही है बड़बड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके। ये जी तो अपनी नीचे आ गई है पूरी तरीके से और ये फाउंडेशन को अपन ने अपने गाड़ी में रख लिया है ताकि कल को कोई चीज समझाने की तो हो। तो उसके पास में टाटा मैजिक आ गया है, ये देखो टाटा मैजिक में पता नहीं क्या परेशानी आ गई। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा? अच्छा सर्विसिंग, ये तो दूध वाली गाड़ी है ना, दूध तो यार इसे मैंने कहीं तो देखा है जी तो। क्या अच्छा पालक सप्लाई करते हो तुम, क्या एवरेज दे रही है यार गाड़ी? 22 डीजल 22 का एवरेज दे रही है, लोड वगैरह सब जोरदार। क्या मॉडल है, क्या BS6 है? कितना वजन ले जाते हो? 30 कुंटल तो डाल ले तो। मेरी टायर इजी टायर हो पे, ये वाले टायर हो पे। अच्छा कार तो वही होगा ना, तुम भारी मोटा वाला गिट्टी वाला, ये अपने पास जीतों में डला जो। कितने किलोमीटर चला दी तुम्हारे पास? नहीं ली थी तुमने? नहीं अपन ने सेकंड ली। हाँ 20 को 11 महीने की उठी हुई है। 20 की 11 महीने की, 1 महीने चाहिए तो। अच्छा मतलब देखो अपन चैनल पे डाल दें आपकी वीडियो ये जो बना रहा हूँ। ये भाई अपने सामने खड़ा है टाटा मैजिक डीजल है भाई 2019 मॉडल, क्यों 20 है ना, 2020 डीजल गाड़ी है, पेट्रोल में इतनी दम थोड़ी होगी। मतलब 30 क्विंटल वजन भारत साहब हमारा भर रहा है और बता रहा है कि टस से मस नहीं हो रही गाड़ी, क्यों? वाह यार मतलब दम है गाड़ी में, क्यों? ये हमारा मीना जी है, हमारे ये सर्विस सेंटर ये लक्ष्मी ऑटो पार्ट्स के, ये मैनेज करते हैं पूरी चीज, तो इन्हीं से अपन ने मतलब ज्यादा काम करवाते हैं। क्या है और सर्विसिंग हो रही है गाड़ी की अभी, दो ही भाई लगे पड़े हैं। हाँ मीना जी अरे बाबू ठीक है। तो वैसे पब्लिक हमारे सब्सक्राइबर तो कहना चाहोगे आप ले सकते हैं गाड़ी टाटा मैजिक डीजल ही लो, लेकिन है ना तो बढ़िया। मैनेजर साहब भी बोलना चाहेंगे कुछ इस मैजिक को लेके जी। टाटा जो गाड़ी है अभी जो निकाला है नया वेरिएंट निकाला है, यानी कि यूरिया में जो निकाला जो बता रहे हैं भैया के 30 क्विंटल, यानी कि लोड पर घाटी पे भी गाड़ी बिल्कुल दबती नहीं और अच्छा क्योंकि घाटी पे भी चल रही है आराम से 30 क्विंटल लेके। अच्छा सही बतलाना नहीं तो पहले दूसरा में लेना, लेकिन गाड़ी तो चल रही ना 30 क्विंटल लेके, पहला दूसरा तो ठीक है समझ में आ रही है। अच्छा पिकअप बनाते हुए मतलब गाड़ी अच्छा माइलेज देते हुए टाटा की जो गाड़ी अभी निकाली है बहुत अच्छा, मतलब लोड लेते हुए अच्छा वो है, मैंने दूसरे की कम बजट में और इतना ज्यादा लोडिंग ले जाते हुए बहुत अच्छी गाड़ी है, बेटर मैं समझ। और एवरेज कितना दे रही है बता रहा आप? 20-22 का एवरेज डीजल पे दे रही है, 20-22 का बढ़िया एवरेज दे रही है। ये अशोक लीलैंड को भी मात दे रही है, अशोक लीलैंड को मात दे रही है। क्यों सुपर कैरी के बारे में क्या राय है आपकी? सुपर कैरी भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन उससे भी जो सुपर कैरी जो जितना 30 क्विंटल वजन ले जाती है, लेके जाती नहीं है वैसे मेरा, लेके जाती नहीं है, लेकिन उससे को मात देते हुए टाटा एस अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब सुपर कैरी से बेहतर टाटा एस ले लो। टाटा एस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपका भी मैकेनिक साहब आपका भी बहुत बहुत ठीक। तो दोस्तों ये था भाई एक आज का अपना बहुत शानदार सा रिव्यू, जीतो भाई अपना जीतो को लेके काम कराने तो आए थे और उसके बाद अपने को मिल गया टाटा एस मैजिक, तो ये भी भाई बहुत शानदार था, मतलब ये भी बहुत शानदार सा एक अच्छा सा रिव्यू मिल गया, जानकारी मिल गई आप लोगों को, के बताना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं ही बताता हूँ तो वो आप लोगों को लगता नहीं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि टाटा मैजिक लो, डीजल गाड़ी लो, लो कोई सी भी गाड़ी लो, तो लेकिन टाटा मैजिक ले लो या फिर जीतो ले लो भाई। जीतो भी जो है ना भाई बड़ी जीतो वो भी दमदार है, वो भी स्ट्रॉन्ग आई है, वो भी और दमदार गाड़ी है, इतनी बड़ी है वो भी जीतो स्ट्रॉन्ग भी, तो इतना लोड वो भी आराम से ले जा सकती है। जो अपनी जीतो S611 इतना ले जा रही है,
मतलब समझ रहे हो आप, 8-11 अपने ये जीतो, मतलब इतना ले जा रही है, 18 क्विंटल वजन मैंने डाला है उसमें, तो फिर वो तो बड़ी गाड़ी है भाई, वो क्यों नहीं ले जाएगी। लेकिन फिर भी मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि इतना वेट भाई मैजिक आपके पास भी, अगर टाटा मैजिक आप भी लो तो भाई इतना वेट मत डालो, क्योंकि भाई गाड़ी को अपना लाइफ टाइम चलानी है, और भी आगे इतना वजन डालोगे तो गाड़ी सही ज़्यादातर टाइम तक चलेगी नहीं, है ना। तो आप जो 20-22 क्विंटल डालने की आपकी एक क्षमता है मैजिक में, वही डालो, ठीक है। तो ये व्लॉग भाई आप लोगों को कैसा लगा, और मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है अपने जो कंडीशन उसकी, और ये मैजिक की आप लोगों को कैसी क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी नॉलेज वीडियो आपको इस रियल इन्फो व्लॉग पर हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच।